नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पैबली हिंदी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट गो हाई लेवल कॉन्टैक्ट फॉर OptinMonster लीड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग ऑटोमेशन सीखेंगे OptinMonster और GoHighLevel के बीच में, कि जब भी हमको OptinMonster के थ्रू कोई न्यू लीड रिसीव्ड होगी तो हम ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं GoHighLevel में। जी हाँ, पॉसिबल है, आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन बनाना है। अब पैबली कनेक्ट में हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ट्रिगर और एक्शन का। तो ट्रिगर में आपको लेना है OptinMonster, एक्शन स्टेप में आप लेंगे GoHighLevel और पूरा प्रोसेस ईजिली हो जाएगा। और मजे की बात यह है, इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो क्या आप भी पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी स्क्रीन पे। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर OptinMonster का अकाउंट लॉगिन कर लेना है आपके ब्राउजर में। यहाँ पर आपको GoHighLevel का अकाउंट भी लॉगिन कर लेना है आपके ब्राउजर में। तो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी हमको OptinMonster के थ्रू कोई न्यू लीड रिसीव्ड होती है तो हम ऑटोमेटिकली वो लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं GoHighLevel में। ओके, ये हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए इधर पर हम क्या कर रहे हैं, इधर पर हम GoHighLevel और OptinMonster को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ Pabbly Connect की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों ये है Pabbly Connect का लैंडिंग पेज। आप भी इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com/connect। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पर और आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं Pabbly Connect में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूं, इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है Pabbly Connect वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे Pabbly Connect के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगी क्रिएट वर्कफ्लो वाली बटन, इस पर आपको क्लिक करना है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है अंडर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली आपके इधर पर आपकी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ न्यू फोल्डर वाली बटन पर क्लिक करके इधर से न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट से यहाँ पर मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ क्रिएट GoHighLevel कॉन्टैक्ट फॉर OptinMonster लीड। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आपके अकॉर्डिंग जो भी नाम रखना चाहते हैं आपकी वर्कफ्लो का वो आप इधर पर रख सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं वर्कफ्लो ऑटोमेशन इंटीग्रेशन वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करूँगा। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपेंस, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो, तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर आपके ऑटोमेशन को स्टार्ट करेगा, एक्शन में आप वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेंगे जो आप करवाना चाहते हैं आपकी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करना है। तो सबसे पहले हम ट्रिगर वाले स्टेप में काम करेंगे, तो यहाँ पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है। तो चूज़ ऐप में आपको इधर पर चूज़ करना है OptinMonster। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं OptinMonster, यहाँ पर आपको चूज़ करना है OptinMonster और ट्रिगर इवेंट आपको इधर पर चूज़ करना है न्यू लीड। ओके, और आपको इधर पर एक वेबबुक URL मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबबुक URL यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करता है, ये एज़ अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबबुक URL की मदद से आपको इधर पर OptinMonster और Pabbly Connect के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। तो नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको पूरा प्रोसेस करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप वेबबुक URL की मदद से OptinMonster और Pabbly Connect के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबबुक URL को यहाँ से कर लेना है कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं शो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है ना लॉग इन टू दी एप्लीकेशन वेर यू एडेड दी वेबबुक URL एंड वो टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन दी वेबबुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको वेबबुक URL की मदद से OptinMonster और Pabbly Connect के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है, उसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है OptinMonster में जिसकी मदद से इधर पर आपको Pabbly Connect में रेस्पॉन्स रिसीव हो। तो मैं आपको ले चलता हूँ OptinMonster पे, पहले हम वेबबुक का सेटअप करते हैं। तो इधर पर आपको जाना है इंटीग्रेशंस पे, फिर आपको इधर पर क्लिक करना है ऐड न्यू इंटीग्रेशंस पे, सर्च में आपको इधर पर सर्च करना है वेबबुक और फिर आपको इधर पर वेबबुक पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। ओके, और सिलेक्ट वेबबुक में आपको इधर पर चूज करना है ऐड न्यू वेबबुक और यहाँ पर आपको वेबबुक URL वाली फील्ड में पर्टिकुलर वेबबुक URL ऐड कर देना है जो आपको Pabbly Connect से मिला है। तो हमने इस वेबबुक URL को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट और इधर पर मैं मेरे वेबबुक को नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग वेबबुक 1। ओके, कनेक्ट टू वेबबुक पे क्लिक करते हैं
और आप इधर पर देख सकते हैं हमने इधर वेबबुक का सेटअप कर लिया है, ठीक है। तो इधर पर हमने वेबबुक यूआरएल की मदद से ऑप्टिन मॉन्स्टर और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर लिया है। आप इधर पर देख सकते हैं हमको टेस्ट वेबबुक का रिस्पॉन्स भी यहाँ पर रिसीव हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारा जो कनेक्शन है OptinMonster और Pabbly Connect का वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इधर पर मैं क्लिक करता हूँ रीकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स पे, जिसकी मदद से मैं OptinMonster में एक टेस्ट सबमिशन कर पाऊँ, मतलब एक टेस्ट लीड जनरेट करूँ और उसका रिस्पॉन्स हम इधर पर कैप्चर कर लें Pabbly Connect में। तो इसके लिए मैं आपको ले सकता हूँ OptinMonster के इस पर्टिकुलर फॉर्म पर जो मैंने क्रिएट करा है OptinMonster की मदद से। ये एक लीड जनरेशन फॉर्म है जिसकी मदद से इधर पर हम एक टेस्ट लीड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डमी डिटेल्स फिल करता हूँ लीड की, एक टेस्ट लीड जनरेट यहाँ पर करते हैं और इधर पर हम कैप्चर करेंगे उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डमी डिटेल्स फिल कर देता हूँ, लेट से इधर पर मैं फुल नेम है वो यहाँ पर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल टेस्ट पर्सन, ओके। ईमेल आईडी हम इधर पर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट 555@pablytutes.com और इधर पर मैं डमी फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ, ओके। सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं, ओके। तो इधर पर हमने फॉर्म फिल कर दिया, एक टेस्ट लीड जनरेट करी इस पर्टिकुलर फॉर्म की मदद से। Pabbly Connect में वापस चलते हैं और जी हाँ दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर हमको लीड की डिटेल्स रिसीव हो गई, जैसे कि टेस्ट पर्सन नेम है, फ़ोन नंबर इधर पर शो रहा है, उसके बाद आप इधर पर ईमेल आईडी देख सकते हैं test555@pablytutes.com, यहाँ पर कुछ अदर डिटेल्स शो हो रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। हमने इधर पर OptinMonster में एक न्यू लीड रिसीव करी, उसका रिस्पॉन्स हमने इधर पर कैप्चर कर लिया Pabbly Connect में। अब दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है GoHighLevel में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्शन स्टेप में आएंगे, चूज़ ऐप में आपको इधर पर सर्च करना है लीड कनेक्टर, ठीक है। इधर पर आपको GoHighLevel चूज़ करना है जो कि लिस्टेड है लीड कनेक्टर के नाम से। तो आपको इधर पर वर्जन 2 चूज़ करना है, ओके। और फिर आपको इधर पर एक्शन इवेंट चूज़ करना है क्रिएट कॉन्टैक्ट, ओके। सिंपली हम क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे, तो इधर पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट लीड कनेक्टर V2 अकाउंट। तो बेसिकली आपको इधर पर जो लीड कनेक्टर का अकाउंट है उसको Pabbly Connect के साथ कनेक्ट करना है। इधर पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो इधर पर आपने अगर ऑलरेडी कनेक्शन बिल करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रीवियस सेव कनेक्शन शो होते हैं। और अगर आप इधर पर चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विथ लीड कनेक्टर V2 और यहाँ पर आपको आपका अकाउंट चूज़ करना है, ओके। जो सब अकाउंट है आपका इसको इधर पर आपको चूज़ करना है और आपका जो लीड कनेक्टर V2 मतलब जो GoHighLevel का अकाउंट है वो सक्सेसफुली Pabbly Connect के साथ हो जाएगा कनेक्ट, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इधर पर आप फील्ड देख सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ईमेल, लोकेशन आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस डिटेल्स आप इधर फिल कर सकते हैं, कुछ अदर फील्ड नज़र आ रही हैं। तो इधर पर आपको सबसे पहले एक चीज़ समझना है कि आपको कोई भी चीज़ इधर पर मैन्युअली टाइप नहीं करना, यहाँ पर आपको मैपिंग का इस्तेमाल करना है जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब इन फील्ड्स में हम इधर पर हम डेटा मैप करेंगे, प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करेंगे हम कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमको फर्स्ट नेम मैप करना है, फर्स्ट नेम क्या है टेस्ट, लास्ट नेम मैप कर देते हैं, लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम है पर्सन, ठीक है। उसके बाद इधर पर हम फुल नेम मैप कर देते हैं, फुल नेम है टेस्ट पर्सन, ठीक है। इधर पर हम ईमेल आईडी मैप कर देते हैं, ईमेल आईडी हमने इधर पर मैप कर दी, लोकेशन आईडी हम इधर पर नहीं देना चाहते हैं, फ़ोन नंबर इधर पर हम मैप कर देते हैं जो कि डमी फ़ोन नंबर, ओके। और इधर पर आप कुछ अदर डिटेल्स भी मैप कर सकते हैं जैसे कि एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, अभी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि ये जो मैंने स्टेप परफॉर्म करी, मतलब प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करा, इसको बोलते हैं मैपिंग। इसकी मदद से ही आप हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका वर्क फ्लो रन होगा और जो भी न्यू रेस्पॉन्स आपको रिसीव्ड होगा प्रीवियस स्टेप में, वो रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स की जगह जाएगा, ये डिटेल्स चेंज हो जाएंगी क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप इधर पर मैनुअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इस चीज़ का आपको इधर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इधर पर डेटा मैप करना है, ठीक है। यहाँ पर और अदर फील्ड्स हैं, अभी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। और इधर पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ सेव इन सेंटेंस रिक्वेस्ट वाली बटन पे। और जी हाँ दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पर एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर फर्स्ट नेम शो रहा है टेस्ट, लास्ट नेम इधर पर शो रहा है पर्सन, ईमेल आईडी इधर पर शो रही है test555@pablytutes.com और यहाँ पर उसका डमी फ़ोन नंबर शो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इधर पर हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और GoHighLevel में हमने इस पर्टिकुलर लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं GoHighLevel में। और जी हाँ दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं ये पर्टिकुलर लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गई। इधर पर फुल नेम इधर पर शो रहा है टेस्ट पर्सन, फ़ोन नंबर इधर पर शो रहा है, ईमेल आईडी इधर पर शो रही है, क्रिएटेड एट इधर पर डेट एंड टाइम भी शो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप
OptinMonster पे रिसीव्ड हुई जनरेट हुई लीड को एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट कर सकते हैं GoHighLevel में ऑटोमेटिकली Pabbly Connect की मदद से। तो चलिए समराइज करता हूँ कि इस पूरे ऑटोमेशन में मैंने क्या करा है। इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया OptinMonster, ट्रिगर इवेंट हमने लिया न्यू लीड, एक्शन स्टेप में हमने लिया लीड कनेक्टर, V2 एक्शन इवेंट हमने लिया क्रिएट कॉन्टेक्ट, जिसकी मदद से हमने पर्टिकुलर लीड को एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट कर लिया। ओके, अब इधर पर लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है, मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है उसके बाद ऑटोमेटिकली तुरंत ही अपना काम करेगा। तो चलिए एक बार इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं कि हमारा ऑटोमेशन रियल टाइम में सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्म पर। इधर पर हम फिर से एक टेस्ट लीड जनरेट करते हैं, देखते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो पर्टिकुलर लीड एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट होती है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डमी डिटेल्स फिल कर देता हूँ। लेट्स से फुल नेम इधर हम दे देते हैं, सैंपल पर्सन। ओके, ईमेल आईडी देते हैं फॉर एग्जांपल sample11@pabblytutes.com और इधर पर हम एक डमी फोन नंबर दे देते हैं। ओके, सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, तो इधर पर हमने एक टेस्ट लीड जनरेट करी है इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करके। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी ऑटोमेशन बना के रखा है OptinMonster और GoHighLevel के बीच में। सीधे आपको ले चलता हूँ GoHighLevel में और इधर पर मैं करता हूँ रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, आप इधर पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉन्टेक्ट क्रिएट हो गया है सैम्पल पर्सन। ओके, इधर पर पर्सन की स्पेलिंग गलत है, इधर पर ईमेल आईडी शो रही है, फुल नेम शो रहा है, फ़ोन नंबर शो रहा है, ठीक है, और क्रिएटेड एट डेट एंड टाइम भी शो रहा है। दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑटोमेशन वर्क करने वाला है। अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी अमेजिंग ऑटोमेशन बना सकते हैं Pabbly Connect की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pabbly.com पे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pabbly.com पे। और अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।